Hi guys, how are you? So today we are going to start another chapter, my dear friends. Or ye bhi related hai labor or employer se. Yani employee or employer se juda hua ye chapter. Ek zamana tha dosto, jab employer jo kehta tha employee ko karna padta tha mere bhai. Or employees ki halat bahut zyada kharab thi. Lekin ek samay aisa bhi aaya jahan par dekha gaya ke bhai ab to ये जो इंडस्ट्रीज हैं बढ़ती चली जा रही हैं, इनके पास लेबर बहुत ज्यादा काम करने जा रही है, लेबर की हालत बुरी है, वो अपने हक के लिए नहीं लड़ पा रहे. तो दोस्तों क्या किया गया, एक उन्हें राइट दिया गया कि आप मिल करके अपनी एसोसिएशन बना सकते हो और अपने हक के लिए लड़ सकते हो. तो भाई उन्हें लेबर यूनियंस भी कहा गया और बाद में ट्रेड यूनियन कह करके उसका नाम रखा गया. क्योंकि खाली लेबर की यूनियन नहीं थी, इसमें एम्प्लॉयर्स को भी राइट दिया गया कि आप मिल करके अपनी भी यूनियन बना सकते हो. तो जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज दोनों मिलकर के इस इंडस्ट्री में, इस ट्रेड में शामिल हैं, इसीलिए इसमें बनने वाली इन यूनियंस को क्या नाम दिया गया, ट्रेड यूनियंस नाम दे दिया गया. अब ट्रेड यूनियंस का आखिरकार मकसद क्या था कि जितने भी उसके मेंबर्स हैं वो उनके इंटरेस्ट में एक्शन लें और मिल करके एक्शन लें, राइट. सो ये जो ट्रेड यूनियन का काम था दोस्तों, ये बेहद शानदार रहा. तो भाई चाहे आप टेम्परेरी चाहे आप परमानेंट नेचर की कोई यूनियन बनाए, और उसका पर्पस केवल यही है कि जो उनके मेंबर्स हैं उनके इंटरेस्ट में आप ये काम करें, उनके इंटरेस्ट के लिए आप उनके हकों के लिए लड़ें. तो ये जो कॉम्बिनेशन बनाया गया ये कहलाया ट्रेड यूनियन. सो ट्रेड यूनियन बेसिकली है क्या, ये एक कॉम्बिनेशन है, चाहे आप ये टेम्पोरेरी पीरियड के लिए हो चाहे परमानेंट हो. और इसको क्यों फॉर्म किया गया, फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलेटिंग द रिलेशंस. आखिरकार आपने ट्रेड यूनियन बनाई तो किसके लिए, लेबर और वर्कमैन, जो मर्जी कह लीजिए इन दोनों में से, वर्कमैन की बात कर लेते हैं. तो वर्कमैन का रिलेशन एम्प्लॉयर से, एम्प्लॉयर का रिलेशन दूसरे एम्प्लॉयर से, और वर्कमैन का वर्कमैन से, यानी आपस में इनके जितने भी रिलेशंस हैं उन रिलेशंस को रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट आया दोस्तों. इसीलिए ट्रेड यूनियंस भी बनाई गई. सो ट्रेड यूनियंस जो बनाई गई उनका पर्पस क्या था, इनके रिलेशंस को रेगुलेट करना, राइट. तो किन किन के रिलेशन को, वर्कमैन और एम्प्लॉयर के रिलेशन को, बिटवीन वर्कमैन एंड वर्कमैन, एंड बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स. और ये यूनियंस करती क्या है, ये रिस्ट्रिक्शंस लगा देती हैं, रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस लगा देती हैं, किस पर, कि ट्रेड को और बिजनेस को किस तरह से कंडक्ट किया जाएगा, राइट. तो देखा जाए तो ये ट्रेड यूनियंस एम्प्लॉयर्स भी मिलके बना सकते हैं अपनी, यही वर्कमैन भी बना सकते हैं, राइट. जनरली सारे के सारे वर्कमैन बनाते हैं यूनियंस. अब वर्कमैन जब बनाएंगे सारे के सारे, तो भैया उसमें वो मेंबर्स को इकट्ठा करेंगे. एम्प्लॉयर की एसोसिएशंस बनती हैं, एम्प्लॉयर की क्या बनती है, एसोसिएशंस. लेकिन यहां पर एम्प्लॉयज की क्या बनेंगी, ट्रेड यूनियंस. तो एम्प्लॉयज ने क्या किया कि चलो भाई अपने सबके आपस के रिलेशंस को बनाने के लिए, मैनेज करने के लिए क्या किया जाए, ये यूनियन बनाई जाए. अब मान लो एग्जिस्टिंग दो फेडरेशंस हैं, उन दोनों का या तीनों का, दो से ज्यादा जितने भी हैं, वो मिलकर भी क्या कर सकती हैं, एक ट्रेड यूनियन बना सकती हैं. जनरली क्या होता है, सेम इंडस्ट्री की होती है, राइट. यानी मान लो कि कपड़ा बनाने वाले जितने भी मिल्स हैं उन सभी के अंदर अलग अलग मिल्स की अलग अलग ट्रेड यूनियन भी हो सकती है, और कपड़ा मिल जितनी भी हैं उन सब की एक अलग फेडरेशन भी बन सकती है. मल्टीपल ट्रेड यूनियंस मिलके भी, यानी मल्टीपल फेडरेशंस मिलकर भी एक ट्रेड यूनियन बना सकती है. लेकिन रेगुलेट किसको करेंगे दोस्तों, रेगुलेट वो करेंगे किसके रिलेशंस को, एम्प्लॉयर और वर्कमैन, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर, वर्कमैन और वर्कमैन. सो ट्रेड यूनियन का आखिरकार पर्पस क्या है, इसका नेचर क्या है, ये आप अपनी इच्छा से बनाते हो या जबरदस्ती आपके सिर पर थोप दी जाती है, बिल्कुल भी नहीं भैया,
ये तो अपनी इच्छा से बनाई जाती है, अपनी इच्छा से ही आप इसके मेंबर बनते हैं। तो ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस है, किसकी? वर्कर्स की। रिलेशंस को ये रेगुलेट करेगी सबके, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन किसकी? वर्कर्स की। सो इट इज रिलेटेड टू पर्टिकुलर ट्रेड, इंडस्ट्री और कंपनी। एक कंपनी की भी हो सकती है, एक इंडस्ट्री की भी हो सकती है, राइट, पूरे ट्रेड की भी हो सकती है। पर्पस क्या है कि हमें प्रमोट करना है, प्रोटेक्ट करना है, किसके इंटरेस्ट को? वेलफेयर करना है, किसके इंटरेस्ट को? कलेक्टिव एक्शन लेके, बट किसके इंटरेस्ट को भाई? वर्कर्स के इंटरेस्ट को। सो वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, उनके वेलफेयर के लिए ये कलेक्टिव एक्शन मिलकर के लिया जाता है, और ट्रेड यूनियन यही काम करती है। अब सवाल ये आता है भाई कि आखिरकार ये ट्रेड यूनियन का कुछ फायदा भी है? तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि पीसफुल रिलेशंस बने रहें एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉई के बीच, तो दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर मोस्ट सूटेबल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बैलेंस करने में, इंप्रूव करने में हेल्प करती हैं। किसको? रिलेशंस को। रिलेशंस को इंप्रूव करेंगी, बैलेंस करेंगी। किन के रिलेशंस? एम्प्लॉयर के और एम्प्लॉई के आपस के रिलेशंस को। सो द मोस्ट सूटेबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर बैलेंसिंग एंड इंप्रूविंग द रिलेशंस बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज। अब वर्कर्स की जितनी डिमांड है, उन वर्कर्स की डिमांड को हमने क्या करना है? उनको सिर्फ केटर नहीं करना, बल्कि उन सब में आपस में एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेकर आनी है। आखिरकार ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसिप्लिन कैसे आएगा? क्योंकि इस हर एक ट्रेड यूनियन के रूल्स होंगे, हर एक मेंबर को उन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। पुराने टाइम में क्या होता था कि बहुत सारे इंप्लॉइज काम कर रहे हैं, उसमें सबके अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, कुछ ग्रुप के लोगों ने मिलकर के काम करना बंद कर दिया, तो भाई ना तो उनकी सुनी गई क्योंकि सारा कलेक्टिव एक्शन है नहीं, बाकी सब लोग उनके साथ नहीं है, और जब चाहे बिना नोटिस के वो काम करना बंद कर देते हैं, तो यानी डिसिप्लिन भी नहीं है। ट्रेड यूनियन जब आई तो इसका मकसद ये हुआ कि अगर उन्हें स्ट्राइक भी कर रही है तो भी उसका एक सिस्टम होगा, उसका एक प्रोसेस होगा, और इससे क्या होगी? सर्टेनिटी आएगी, डिसिप्लिन आएगा, और बिकॉज दे आर एम्प्लॉई ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, तो भैया उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें। भले ही आप उसके अगेंस्ट कुछ करना चाह रहे हैं, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है, तो इसीलिए उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी ध्यान करवाने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन, ये जो आपकी ट्रेड यूनियंस हैं, दीज हेल्प, राइट। तो आप करेंगे क्या? अपनी इस ट्रेड यूनियन को रजिस्टर कराएंगे, रजिस्ट्रार के पास जाएंगे और अपनी इस ट्रेड यूनियन को रजिस्टर कराएंगे, आपकी ये ट्रेड यूनियन एक बॉडी कॉर्पोरेट बन जाएगी। जैसे कंपनी होती है भाई, कंपनी को भी एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलता है, ट्रेड यूनियन को भी ऐसे ही मिलेगा। ट्रेड यूनियन को भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और इसे बॉडी कॉर्पोरेट कहा जाएगा। इसका एक नाम होगा जिस नाम से वो रजिस्टर होगी, और इसके मेंबर्स आते रहेंगे, जाते रहेंगे, जस्ट लाइक कंपनी, लेकिन इसकी एग्जिस्टेंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, राइट। ये एक कैसी ऑर्गेनाइजेशन, कैसा पर्सन बन गई? आर्टिफिशियल पर्सन बन गई। कॉमन सील होगी, इसके पास पावर होगी कि ये एक्वायर भी कर सके प्रॉपर्टी और होल्ड भी कर सके, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। ये कॉन्ट्रैक्ट भी कर पाएगी अपने नाम से, और उसी नाम से केस फाइल भी कर सकती है, और उसके खिलाफ भी केस फाइल किया जा सकता है। तो द मोमेंट आई सेड दिस इज गोइंग टू बी अ बॉडी कॉर्पोरेट, तो जैसे कंपनी के फीचर्स आ गए, वैसे ही यहां पर आपको फीचर्स नजर आ गए ट्रेड यूनियन के, राइट। सो ये था दोस्तों हमारा ट्रेड यूनियन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब इसका पर्पस क्या है? पर्पस केवल इतना है कि जितने भी राइट्स हैं, लाइबिलिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये जो हैं, इनको रेगुलेट किया जाए। किसके राइट्स, लाइबिलिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी? ट्रेड यूनियन के। तो ट्रेड यूनियन बना तो ली, बट उसके क्या राइट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज हैं, किस तरह से वो काम करेगी? अगर उसमें फंड आता है, क्योंकि फंड तो लेंगे, कोई भी मेंबर बनेगा, कोई भी वर्कर इस ट्रेड यूनियन का मेंबर बना, तो भैया उसे कुछ ना कुछ तो फीस देनी पड़ेगी, मेंबरशिप की फीस। अब वो जो फंड आएंगे, या कहीं से भी फंड आएंगे, मान लो
उन फंड्स का कैसे प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, इसको इंश्योर कैसे करें, तो भैया इनके लिए रूल्स बनाने की आवश्यकता थी। इसीलिए ट्रेड यूनियन एक्ट बना दिया गया, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। तो उसका पर्पस यही है, दिस एक्ट विल डील विद व्हाट रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। सबसे पहले तो ये एक्ट क्या कराएगा, उसका रजिस्ट्रेशन कराएगा। फिर क्या करेगा, उस ट्रेड यूनियन के राइट्स, लाइबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक रूल्स के अकॉर्डिंगली, अपने प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली डायरेक्ट करेगा कि ये काम ऐसे होना चाहिए। फिर ये इंश्योर करेगा कि भाई उसमें जितने फंड्स आ रहे हैं उनका लॉफुल इस्तेमाल हो रहा है, और इंश्योर करेगा कि वो प्रॉपरली यूज किए जाए। अब यूज कौन करेगा भाई, यूज भी तो भैया उसके अंदर कोई ना कोई एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होंगे जो उसे चलाएंगे, राइट? क्योंकि जिस तरह से कंपनी को चलाने वाले डायरेक्टर्स होते हैं उन्हें एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है, उसी तरह से ट्रेड यूनियन को भी चलाने वाले एग्जीक्यूटिव होंगे। मेंबर्स जो हैं, उस मेंबर को किसी को भी एक राइट होगा कि हाँ जी हमारे साथ ये होना चाहिए, हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन किया जाए। लेकिन उस ट्रेड यूनियन को चलाने वाले जो एग्जीक्यूटिव होंगे वो लोग इसे चलाएंगे, क्योंकि ये तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। हम ये जानते हैं कि जैसे एक ट्रेड यूनियन रजिस्टर होगी तो उसको एक कॉर्पोरेट स्टेटस मिल जाएगा, क्योंकि वो बॉडी कॉर्पोरेट बन गई। बट आर्टिफिशियल पर्सन खुद तो काम करता नहीं भाई, उसके लिए एग्जीक्यूटिव्स होने चाहिए, डायरेक्टर्स होने चाहिए। तो यहां हम नाम डायरेक्टर नहीं देंगे, यहां पर हम नाम देंगे एग्जीक्यूटिव्स। सो दिस गिव्स लीगल एंड कॉर्पोरेट स्टेटस टू द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस। रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस को क्या कर दिया जाएगा, ये राइट दे दिया जाएगा कि भाई आपको एक कॉर्पोरेट स्टेटस मिल गया है, अब आपके अगेंस्ट कोई अगर सिविल या क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होता है, राइट, सो दैट दे कुड कैरी लेजिटिमेट एक्टिविटीज, इससे भी आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो भाई अगर फॉर एग्जाम्पल सिचुएशन ये आती है कि आपके अगेंस्ट एज अ वर्कर आप कोई काम कर रहे हैं और आपके अगेंस्ट कोई एक्शन हो रहा है, तो ये ट्रेड यूनियन क्या करेगी, दिस विल हेल्प यू, दिस ट्रेड यूनियन इज गोइंग टू हेल्प यू एंड इट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम सिविल एज वेल एज क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। तो भैया करना क्या है, आपने इसका मेंबर बनना है और ये आपको प्रोटेक्ट करेगी, आप जो लेजिटिमेट एक्टिविटीज कर रहे हैं यानी लॉफुल एक्टिविटीज कर रहे हैं ये आपको उसमें हेल्प करेगी दोस्तों, राइट? तो अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू हेल्प इट्स मेंबर्स, राइट? तो अब अगले लेवल पर अगर हम देखें इसे, एक्ट एप्लीकेबल किस पर होता है, नॉट ओनली यूनियन ऑफ वर्कर्स, खाली जो वर्कर्स की यूनियन है उस पर ये एप्लीकेबल नहीं है, बट इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयर्स। तो अगर एम्प्लॉयर्स ने अपनी एसोसिएशन बना ली तो ये एक्ट उन पर भी अप्लाई हो जाएगा, राइट? एंड इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। सो ये था दोस्तों हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन सो फार एज ट्रेड यूनियन इज कंसर्न। हम ये जानेंगे अगले सेशन में कि किस तरह से अपनी ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करवाया जाए, किस तरह से उसका सर्टिफिकेट लिया जाएगा, कितने मेंबर्स रिक्वायर्ड हैं, ऐसी बहुत सारी बातें करेंगे, बट दैट विल बी डन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, बाय बाय।